गाइस, माय नेम इज योगेस एंड वेलकम टू आवर YouTube चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 10th सोशल साइंस सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, आपके होने वाले एग्जाम जो आपका 18 मार्च को एग्जाम है सोशल साइंस का, तो आज के वीडियो उसी पे डिपेंड है। आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि हम इस चीज को कैसे अच्छे से याद करें, किस तरीके से हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, कैसे हम उसको फैक्ट के इसके डेट वाइज कैसे याद करें। तो आज के स्टूडियो मैंने आपको कुछ 5 टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके 18 मार्च को होने वाले सोशल साइंस में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और जो मैंने बताई हुई 5 टिप्स को अच्छे समझते हो और अगर आप इसका इंप्लीमेंट करते हो अपने एग्जाम में, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करें और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल जैसे सब्जेक्ट में आपके जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है, ये जो डिपेंड करता है कि इसको याद कैसे कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली टिप्स आती है वो डिपेंड करती है डेट एंड फैक्ट में। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों, आपको ना डेट वाइज को आपको अच्छे से समझना है, आपको डेट वाइज इसको याद रखना है। और दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को डेट को याद रखते हो तो दोस्तों आपको फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो दोस्तों, डेट वाइज आपको फैक्ट को अच्छे से समझना है। आपको दोस्तों यहाँ पर रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, पेज पे लिख के रट्टा नहीं मारना, पेज पे लिख के आप इसको याद कर सकते हो। इस चीज़ों को दोस्तों आपको पकड़ना है, ये फैक्ट कब हुआ, कैसे लॉन्च हुआ। तो दोस्तों, डेट वाइज अगर आप डेट याद रहेगी ना, तो आप उसको फैक्ट को आसानी से याद हो जाएगा। तो आप इसलिए कर सकते हो कि आप सेपरेट नोट बनाएं, ठीक है, सेपरेट नोट बनाए कि नागरिक शास्त्र का, भूगोल का, इतिहास का, इसका दोस्तों सेपरेट नोट्स बनाने हैं। और नोट्स ऐसे नहीं कि आपको उसको पूरे चैप्टर लिखना है, नहीं, क्विक नोट का मतलब है कि आपके जो एग्ज़ाम है उससे पहले जो आपके 2-3 दिन बचे हैं, इन 3 दिन में आपको जो ये नोट्स बनाने हैं, सिर्फ यही नोट्स आपको पढ़ना है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट, ये चीज़ आपको नोट्स करनी है। अब बात करते हैं दूसरी टिप्स, वो है दोस्तों प्रैक्टिस। जैसा मैंने बताया कि नोट्स बनाने हैं, तो अब करनी है दोस्तों प्रैक्टिस करनी है सैम्पल पेपर से। सैम्पल पेपर से आपको उन्हीं नोट्स में आपको पढ़ना है जो से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टॉपिक वाइज उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है मोर एंड मोर सैम्पल पेपर से। तो दोस्तों, कोई सा भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो उसको याद करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो हार मत मानना। आपको उसको जब तक पढ़ना है तब तक, जब तक आपको याद ना हो जाए, तो उसको अच्छे से याद करते रहो, चीज़ों को समझना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड टिप। दोस्तों, मानचित्र, आपको पता होगा कि मानचित्र तो 100% आता ही है। तो मानचित्र संबंधित जो भी आपके प्रश्न है उसका दोस्तों प्रैक्टिस जरूर से जरूर करें, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलें। मानचित्र को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हर टाइम एग्जाम में आता ही है। इसके लिए दोस्तों आप सैंपल पेपर से देख सकते हो, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो। तो मानचित्र के लिए दोस्तों आपको बिंदुओं को याद रखें, इसके लिए लियर टिप्स अपना सकते हैं जिससे आप उसका स्थान याद रख सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ टिप्स, वो है दोस्तों नोट्स और डाउट्स। जो आपने नोट्स बना रखे थे उसमें जो आपके जो डाउट्स है, जिसमें दोस्तों आपको डाउट्स लगता है, जो चैप्टर में आपको डाउट्स लगता है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट्स लगता है, इसके लिए दोस्तों आप अपने ट्यूशन जाओ, अपने भैया से पूछो, जो आपके टीचर है उनसे पूछो, यूट्यूब का सहारा लो, आपको कैसे भी करके जो आपका डाउट्स है इसको दोस्तों क्लियर करना है, आपको पढ़ना है। आप सैंपल पेपर से पढ़ सकते हो, 5 साल क्वेश्चन पेपर से पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बताया है आपको अपने सारे डाउट्स क्लियर रखने हैं। अगर आपने अपने डाउट्स क्लियर रख लिए तो आप पूरा पेपर 100% करके आओगे। तो डेट वाइज फैक्ट्स को याद रखना है। और 5वीं टिप्स है दोस्तों कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नो डाउट इन। तो प्रैक्टिस करते रहें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, रट्टा नहीं मारना है आपको। डेट वाइज आपको फैक्ट याद रखना है, हिस्ट्री में, नागरिक शास्त्र में, भूगोल में। तो दोस्तों, सारे को डेट वाइज याद रखें और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर विद सैंपल पेपर से, ठीक है, सैंपल पेपर से तैयारी करो और डेट वाइज फैक्ट को याद रखो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ये जो बचे हुए दिन है, यहाँ पे आपको कहीं सा भी टाइम एक्सपेंड नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं पे कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पे याद रखना है, जितना टाइम मिलता है उतना आपको स्टडी में लगाना है। कम से कम दोस्तों आपको एक दिन में कम से कम 8-10 घंटे यहाँ पर लगाना है, अगर आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं तो। तो दोस्तों, आप ये टिप्स अपना सकते हो, डेट वाइज को फैक्ट याद रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और प्रैक्टिस करें मोर एंड मोर सैंपल पेपर से। मानचित्र का दोस्तों इसको बिंदुओं को अच्छे से याद रखो, लीप ईयर याद करो, ठीक है, पैटर्न वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो।